हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी के बारे में। आपको दोस्तों ये जानना चाहिए कि ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया को अपने भोजन के रूप में लेता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। फेज यानी ग्रहण करने वाला, बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अपने भोजन में ग्रहण करता है उसी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये दोस्तों ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स होता है जो जिसके पास एक भोजन के अलावा दूसरा कोई विकल्प ना हो, जैसे ये खुद, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अलावा किसी और को अपने भोजन के रूप में नहीं लेता, इसलिए इसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट या फिर अविकल्पी परजीवी जिसके पास भोजन का कोई दूसरा विकल्प ना हो। जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एक जीवाणुभोजी का डायग्राम है। इसमें जो ब्लू पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि इनकी बॉडी जो है प्रोटीन की बनी हुई है, और जो रेड पोर्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डीएनए है, जिसे आप जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। यानी इनका शरीर कुल मिला के दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है प्रोटीन और दूसरा है डीएनए। यानी एक आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा प्रोटीन है, तो इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन वर्ड का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है। आइए इसके बारे में हम और देखते हैं। दोस्तों हम इस बैक्टीरियोफेज का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो ये जो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट, ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1915 में इस बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्लेक्सी डी हैरल, इन्होंने 1917 में इस बैक्टीरियोफेज की खोज की थी, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, डब्ल्यू ट्वार्ट और डी हैरल, इस बैक्टीरियोफेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इन सन को आपको याद रखना, 1915 और 1917 इन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सेल्सिंगर, इन्होंने ये बताया कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, क्योंकि बैक्टीरियोफेज के पास डीएनए होता है जो कि डबल स्टैंड होता है, द्विरज्जुकीय होता है, और इसमें जो प्रोटीन होता है वो कैप्सिड वाला होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हर्से और चेस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने टी2 बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियो ट्रेसर टेक्निक की सहायता से यह पता लगाया कि इनका यानी जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वही उसका जेनेटिक मटेरियल है। यानी कि जो रेडियो ट्रेसर टेक्निक है ये काम आती है किसी भी जीवधारी का जेनेटिक मटेरियल पता करने में, कि उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन है कि आरएनए है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम देखते हैं कि जो मैक्स डेलबर्ग साइंटिस्ट थे, इन्होंने सन 1938 में ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले, जो ई कोलाई बैक्टीरिया को परेशान करते हो उनके, उनको टी नाम दिया। यानी एक ऐसे जीव जो ई कोलाई बैक्टीरिया को परेशान कर रहे हो या संक्रमित कर रहे हो उनको टी नाम दिया। जैसे कि अभी भी आपने देखा कि हर्से चेस ने क्या किया था, टी2 बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियोफेज को टी वर्ड जो दिया था वो मैक्स डेलबर्ग ने दिया था। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। आइए हम और आगे देखते हैं। ये तो इंट्रो हो गया। दोस्तों ये जो बैक्टीरियोफेज है ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया के अलावा किसी और को अपने भोजन के रूप में नहीं लेता। यानी ये जो है एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसका जो आवास है वो हर वो जगह है जहां बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अब हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो जो बैक्टीरियोफेज है इसकी जो लेंथ होती है वो 200 से लेकर 2800 म्यूमीटर तक हो सकती है। इसका जो पूरा बॉडी वेट होता है, जो पूरा बॉडी होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है, एक हेड रीजन और दूसरे को आप बोलते हैं टेल रीजन। तो हेड रीजन जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, यानी षष्ठकोणीय होता है, छह कोणों में बटा होता है। और इसके हेड रीजन में दो भाग होते हैं, एक भाग जो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है जिसे आप बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए या द्विरज्जुकीय डीएनए, और दूसरा भाग प्रोटीन से बना होता है जिसे आप बोलते हैं कैप्सिड। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड भाग है वो इस तरह दिखाई देगा। और दोस्तों ये है, आपको ये याद रखना है कि जो बैक्टीरियोफेज है इसके जो डीएनए में आप जानते हैं डीएनए के पास चार तरह के नाइट्रोजनिक समाक्षर होते हैं, जिसमें आप बोलते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, और आरएनए में आप थायमिन की जगह यूरेसिल बोलते हैं। तो इसके पास जो साइटोसिन होता है फ्रेंड्स, उस वो साइटोसिन बैक्टीरियोफेज में एब्सेंट होता है। उस साइटोसिन की जगह पे एक एचएमसी विशेष प्रकार का नाइट्रोजनिक क्षारक होता है जिसे हम बोलते हैं एचएमसी हाइड्रोक्सीमेथिल और साइटोसिन, हाइड्रोक्सीमेथिल साइटोसिन इसके साइटोसिन के स्थान पर होता है, उसको आपको याद रखना है। और जो फ्रेंड्स इसका टेल वाला भाग है वो केवल प्रोटीन से बना होता है, केवल प्रोटीन से। इस टेल वाले भाग के दो फंक्शन होते हैं, एक अटैचमेंट कराता है और दूसरा पेनिट्रेशन के लिए जवाबदार होता है। तो अटैचमेंट क्या होता है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है,
ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से जब ये बैक्टीरियोफेज यानी वायरस, जब इस बैक्टीरिया से ये वायरस आके जुड़ता है किसकी मदद से, अपने स्पैर की मदद से, स्टेल की मदद से, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं अटैचमेंट, यानी यही वाला वो टेल रीजन है जो इस बैक्टीरिया के साथ जुड़ रहा है। पहला फंक्शन ये हो गया। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया फ्रेंड, ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पास, ये एरिया एक नुकीली संरचना, ये नुकीली संरचना पेनिट्रेशन में काम आती है। जब ये बैक्टीरिया, ये जो वायरस जो है इसके, इस बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए डालता है, तो इसके लिए इसको अपना ये जो बेसल प्लेट वाला भाग है वो बैक्टीरिया के अंदर धसाना पड़ता है। तो उसी धसाने को हम बोल रहे हैं पेनिट्रेट, छेद करना। तो छेद करने के दौरान ये क्या करता है, छेद जब जिस भाग से छेद कर रहा है उस भाग में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम इसी बेसल, इसी नुकीले भाग में होता है, और जैसे ही ये बैक्टीरिया की सरफेस पे आता है, ये बैक्टीरिया की सरफेस पे हर जगह नहीं बैठ सकता, केवल उसी जगह बैठेगा जहां विशेष प्रकार के रिसेप्टर साइट्स होंगी, बाकी हर जगह नहीं। और रिसेप्टर साइट कहीं कहीं पर होते हैं, जहां पे होता है ये पता करके बैठ जाता है, और जैसे ही बैठा उसी एरिया से, अपने बेसल प्लेट वाले, इस नुकीले वाले एरिया से लाइसोजाइम उसकी बॉडी में छोड़ेगा, वो एरिया सेंसिटिव हो जाएगा, कोमल हो जाएगा और फट जाएगा, और वहीं से ये अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। तो ये दो फंक्शन होते हैं टेल रीजन के, पहला अटैचमेंट मिलाना और दूसरा पेनिट्रेशन, इसके यानी बैक्टीरियोफेज के अंदर से बैक्टीरिया के अंदर कुछ डाल देना। ठीक है, और आइए हम देखते हैं इसके थोड़ा डायग्राम के बारे में हम नोटिस करते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो बैक्टीरियोफेज का है, जिसके पास एक हेड रीजन है, इतने एरिया को, ये हेक्सागोनल पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हेड रीजन, और बाकी जितना एरिया बचा उसे हम बोलते हैं टेल रीजन। ये कॉलर वाला एरिया होता है, ये जो एरिया है कॉलर वाला है, ये इसको हम बोलते हैं बेजल प्लेट, और इसी बेजल प्लेट के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम छुपा रहता है। और जब भी ये बैक्टीरियोफेज यानी ये वाला वायरस जब किसी बैक्टीरिया के अंदर अटैचमेंट करता है, तो अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन स्टेज लाता है और अपने इसी नुकीले वाले एरिया से उसके रिसेप्टर साइट्स में अटैक करता है, यानी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और अपना लाइसोजाइम उसके बॉडी के ऊपर छोड़ देता है, ताकि अपना डीएनए आराम से यहां से निकाल के उस बैक्टीरिया के अंदर डाल सके। ठीक है, यानी ये वाला एरिया हो गया बेसल प्लेट, ये कॉलर हो गया, और ये वाला हो गया हेड रीजन, और बाकी पूरा हो गया टेल रीजन, और इसे हम बोलते हैं टेल फाइबर, ये जो कि अटैचमेंट में यानी इस वाले वायरस को बैक्टीरिया से मिलाने के लिए होता है। इसमें जो इन्फेक्शस पार्ट होता है वो केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो थ्रेड वाला पोर्शन दिख रहा है इसे हम बोल रहे हैं डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यही वाला भाग है जो इन्फेक्शन फैलाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसे इन्फेक्शियस पार्ट, और इसे न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, क्या होता है दूरज की डीएनए होता है। और ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है जो पूरी बॉडी में, इसे हम बोलते हैं कैप्सिड या फिर प्रोटीन पार्ट, क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं डालता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस पार्ट, ये आप याद रखेंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो।